बच्चों आज का यह दूसरा वीडियो है। एक साथ अगर लंबा वीडियो हम बनाने तो वो पोस्ट करने में बहुत तकलीफ होती है, तो इसके लिए मैंने आज का दूसरा वीडियो बनाया है। बराबर, यह भी मैं ग्रुप में रखूंगा। देखते हैं, ये समानार्थी शब्द ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने लिए आपके मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा बनाए हैं, वो देख लेते हैं। तो पहाड़, तो पहाड़ का समानार्थी क्या होगा? पर्वत। साहसी, तो साहसी का समानार्थी आएगा बहादुर। रास्ता, तो रास्ता का समानार्थी आएगा मार्ग। वृक्ष, तो वृक्ष का समानार्थी आएगा पेड़। जंगल, तो जंगल का समानार्थी आएगा वन। और हमला, हमला का समानार्थी आएगा आक्रमण। बच्चों ये थोड़ा ब्लर जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका फोटो में ग्रुप में रखूंगा तो परफेक्टली आपको आइडिया आ जाएगा। बराबर है। अभी हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी है, देखो एक्सरसाइज नंबर 5 है, वो हमें टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है, और 6 भी हमें टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। बराबर है। तो देखते हैं, हमें 5 में ब्रैकेट दिए हैं। बराबर, विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स, तो ऑपोजिट शब्द हमें लिखने हैं ब्रैकेट में से ढूंढ के। तो देखते हैं, नंबर 1 बाहर, तो उसका आएगा भीतर, तो वो तो अंदर दिया ही है। तो दूसरा देखते हैं आकाश, तो क्या आएगा? पाताल। क्या आएगा बच्चों? पाताल। बंद, तो उसका विलोम शब्द आएगा खुला। थोड़ा, तो ज्यादा। साहसी, उसका विलोम आएगा कायर। पहाड़ यानी कि बहुत बड़ा, तो उसका विलोम राय यानी कि बहुत ही छोटा। आगे बूढ़ा, तो हम देखते हैं जवान। नेक्स्ट समझ, तो ना समझ। एक्सरसाइज नंबर देखते हैं 6। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो उसमें फर्स्ट नंबर पर हमें दिया ही है कि जिसके मन में डर ना हो, तो यानी कि निडर। सेकंड नंबर, जिसके हृदय में दया हो। बराबर, तो हम लिखेंगे दयालु। बच्चों दया यानी कि वो तारक मेहता वाली दया नहीं, और सीआईडी वाला दया भी नहीं। बराबर, लेकिन दयालु, जो काम से जी चुराता हो, तो कामचोर। क्या आएगा बच्चों? कामचोर। जो जहां पहुंचना सरल हो, तो उसके लिए बोला जाएगा सुगम। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। और लास्ट वाला है, जो देखने योग्य हो, तो क्या आएगा बच्चों? दर्शनीय। आपने भी बच्चों मेरे साथ लिखा होगा। बराबर, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 7, और वो भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखनी है। बराबर है। कैसे लिखना वो देखो, तो हमें संज्ञा और सर्वनाम दो हमें फाइंड करके लिखना है, ढूंढ के लिखना है। तो ये तीनों हम लिखेंगे संज्ञा, तो यहां पे हम टाइटल मानेंगे कि ये जो तीनों है वो है संज्ञा, और यहां पे 3 आएंगे सर्वनाम। तो ये ग्रामर थोड़ा आपको रिपीट कर रहा हूं कि संज्ञा यानी कि नाउन, नाम आएगा, और सर्वनाम यानी कि नाम की जगह पे हम जिस शब्द का इस्तेमाल करें, तो उसको बोला जाएगा सर्वनाम। तो पाठ में से मैंने 3 संज्ञा निकाले हैं। एक है पहाड़, दूसरा है गांव,
और तीसरा है लुक्स। चलो सर्वनाम देखते हैं। या, इसी और वे। नाम की जगह पे ये तीन शब्द का इस्तेमाल होता है, इसके लिए इसको बोला जाएगा सर्वनाम। तो ये आपने लिखा होगा स्लाइड नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 10। बराबर है, तो ये पहेली है जिसमें हमें 10 शब्द दिए हैं। कितने शब्द? 10। वो यहां पे फाइंड करके हमें यहां पे लिखने हैं। तो लिखते हैं बच्चों, पहला मैंने यहां पे ढूंढा है बालू, तो यहां पे हम लिखेंगे बालू। चलो दूसरा देखते हैं हिंसा, तो मैंने यहां पे दूसरा ढूंढा है बच्चों हिंसा। तीसरा तो सहायता, तो हम यहां पे लिखेंगे सहायता। चौथा शब्द सरकार, क्या ढूंढा है मैंने आपके लिए? सरकार। पांचवा शब्द चीफ, सिक्स नंबर पे चावल। बच्चों आपको भी लिखते जाना है मेरे साथ साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शब्द है आवाज। नेक्स्ट साहसी, आगे का शब्द आएगा नीलू। और नेक्स्ट और आखिरी शब्द हमारा आएगा साल। तो बच्चों ये उल्टा हमें दिया है, यहां पे आपको याद रखना है कि साल शब्द यहां पे हमें उल्टा दिया है। बराबर है, तो ये 10 शब्द हमें पहले में से मिले हैं और यहां पे हमने लिखे। बराबर, तो इसी प्रकार आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं गुड राइटिंग से। बराबर है बच्चों, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में और एक नए चैप्टर के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।